एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीयूटी वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ अंशिका है। इन्होंने अभी जेएनयू में पीआईएसएम, पीओएलएम, आईआरएम तीनों स्ट्रीम में क्वालिफाई किया है और इन्होंने अपना एडमिशन अभी पीआईएसएम से लिया है। ये हमारे बैच की स्टूडेंट थी और आज हम अंशिका से जानेंगे कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, कौन कौन से बुक पढ़े, कौन कौन से बुक लिस्ट उनका था, और इस बार जो एक चेंज आया है, जो अगर आपने सीयूटी का पेपर देखा होगा, हमने भी जो भी डिस्कस किया पेपर, और एक कट ऑफ भी सीयूटी का कम गया है इस बार, तो वो जो पेपर में चेंज आया है उस पर भी अंशिका से बात करेंगे कि किस प्रकार से आप इस पेपर को देखती है और कैसे आपको इससे पहले का जो पेपर था उससे कुछ हट के लगा और आपका प्रिपरेशन ऐसा क्या था कि आपने इसमें क्वालिफाई किया। सो वेलकम अंशिका, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी. आई एम अंशिका अग्रवाल एंड आई हैव रिसेंटली क्वालिफाइड पीआईएसएम फॉर जेएनयू. अंशिका, आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ था और आप अपने बारे में थोड़ा और बताएं कि आप कहाँ से हो, आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ था, कैसे कैसे आपने इस जेएनयू के बारे में सोचा? ओके, जो बेसिकली मेरी स्कूलिंग हुई है वो उरई से हुई है. इट इज इन यूपी. देन लेटर मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुई है. और मैंने अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में, व्हेन इट वाज अबाउट टू एंड, तो मैंने डिसाइड किया था कि हाँ, मुझे जेएनयू में एडमिशन लेना है. आई वॉन्टेड टू गो जेएनयू. और इसके बाद अपनी थर्ड ईयर से मैंने जेएनयू के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी. सीयूईटी के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी सेप्टेम्बर, इन सेप्टेम्बर, यस इन सेप्टेम्बर आई हैव स्टार्टेड माई प्रेपरेशन फॉर सीयूईटी. ओके, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि सब सिलेबस कितना इम्पोर्टेंट है सीयूईटी एग्जाम के लिए, सिलेबस कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सिलेबस को आपको कैसे देखना चाहिए? क्या इस बार क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आए थे या सिलेबस से ही थे? इस बार के पेपर के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आप बताओ। सर, सिलेबस का तो हम ये बोलेंगे कि लाइक फॉर एनी एग्जाम सिलेबस इज एवरीथिंग. अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए सोच रहे हैं कि क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए. आपको एक एक थिंकर, सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सारे आईआर के टॉपिक्स आपको याद होने चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं. तो बेसिकली मैंने भी सबसे पहले यही किया था. जैसे ही मैंने डिसाइड किया तो सबसे पहले मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाया, मैंने थिंकर्स मार्क किए बुक में, वो थिंकर्स मार्क किए और फिर उनको थॉरली लाइक पढ़ना स्टार्ट किया. और इसके बाद रही बात बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट के लिए मैंने ओपी गावा प्रेफर करी थी, जैसा कि सर ने गाइड किया था. पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने ओपी गावा पढ़ी थी. इसके अलावा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाला पार्ट था वो मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ा था. और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए मैंने सर के वीडियोस प्रेफर किए थे, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो पार्ट है वो काफी शॉर्ट है. तो मैंने बेसिकली ये चीजें यहाँ से कवर करी थी. और अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, इन द एग्जाम ऑफ सीयूईटी लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर एवरीथिंग. व्हाट आई डिड कि मैंने ना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू कर दिए, जेएनयू के, डीयू के, बीएचयू के एंड इवन एच जेआरएफ. एज सर हैज गाइडेड अस कि इफ यू वांट टू क्रैक सीयूईटी फॉर जेएनयू देन यू विल हैव टू सॉल्व नेट जेआरएफ एंड आई डिड द सेम. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है कि हम लोगों को एक ये मालूम चलता है कि हाँ, क्वेश्चंस इस पैटर्न पे पूछे जाएंगे. लाइक अगर हम लोग कोई बुक पढ़ रहे हैं तो हम लोग ना वो ठीक है रीड करते चले जाते हैं, और अगर उसके पहले हमने उसी चैप्टर का पीवाईक्यू एक बार देख रखा है, हमारे माइंड में है कि हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे दिमाग में रह जाती है और हम लोग जो बुक पढ़ते हैं वो और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं. तो और हम तो ये भी गाइड करेंगे कि इवन अगर आपने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है तो उसके पहले भी आप चाहें तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं. इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रेपरेशन. और जितना ज्यादा आप अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे उतना ही ज्यादा यू नो आप स्कोर कर पाएंगे. क्योंकि लास्ट 2 ईयर से पेपर का पैटर्न बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है. इट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम फैक्चुअल टू कंसेप्चुअल बेस्ड. लाइक अगर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज वीक है, आपने केवल फैक्ट बेसिस ही पढ़े हैं कि हाँ ठीक है ये ईयर है, ये बुक्स हैं और इस थिंकिंग का मेन मेन ये है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा. पेपर अब स्टैंडर्ड हो चुका है. सीयूईटी इज अ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन. यू विल हैव टू क्लियर योर यू नो कंसेप्ट फॉर एनी टॉपिक. ओके, बहुत अच्छे से आपने समझाया। तो ये तो ओवरऑल बात हो गई कि हाँ इस बार एक शिफ्ट भी हुआ था जो बुक्स आपने फॉलो की।
अब आप हमें ये बताओ कि जब आप पढ़ते थे, बुक्स वगैरह पढ़ते थे, तो आप इसको इसके नोट्स कैसे बनाते थे? एक तो पहले कि हमें सिलेबस को थोड़ा सा और तोड़ के आप बताओ, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आपने कौन कौन से बुक को रेफर किया था, WPT के लिए कौन कौन से बुक को रेफर किया था, IPT के लिए कौन सा किया था, और इन सब बुक्स को जब आप पढ़ते थे तो इसका नोट्स बनाते थे या बुक में मार्क करते थे? क्योंकि यूजुअली बच्चों का ये क्वेश्चन भी होता है कि सर हम पढ़ते तो है बट रिविजन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इन सब किताब को पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना एक अपने आप में एक स्किल होती है, क्वेश्चन को बनाना अपने आप में एक स्किल होती है, तो उस पे आप बताएं कि आप उसको रिवाइज कैसे करते थे। सर मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गाबा प्रेफर करी थी, तो मैंने पहले उसकी फर्स्ट रीडिंग लगाई थी। फर्स्ट रीडिंग में मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, मतलब हाँ ये मालूम चला था कि ठीक है ये टॉपिक्स होते हैं, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा मुझे समझ में आया था कि ठीक है इस टॉपिक के अंदर ये लाइक थिंकर्स है। लाइक अगर हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो हमें ये मालूम चल गया था ठीक है इसके अंदर थॉमस हॉब्स आते हैं, जॉन लॉक आते हैं, रूसो आते हैं। फिर जब हमने सेकंड रीडिंग लगाई थी तो फिर हमें ना चीजें थोड़ी सी क्लियर होने लगी थी, और थर्ड रीडिंग में मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। जितना जितना आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, जो जो आपके टॉपिक्स गिवन है वो आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, उससे ही आपको नोट्स बनाने हैं। और नोट्स आपको फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में नहीं बनाने हैं, आपको थर्ड रीडिंग में या फोर्थ रीडिंग में, मतलब जैसा आपको प्रेफरेबल हो तो आपको उस टाइम पे नोट्स बनाने हैं। एंड द सेम थिंग आई डिड विद द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में तो बेसिकली फोर थिंकर्स या चार या पांच थिंकर्स ही हैं, यू कैन गो विथ ईदर वे। और अपार्ट फ्रॉम इट, फॉर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने सर की वीडियोस प्रेफर किए थे और सर ने जो नोट्स प्रोवाइड करवाए थे मैंने वो किया था। और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आई प्रेफर बेलीज एंड स्मिथ एज सर हैज गाइडेड अस। इट वो इज अ वेरी गुड बुक, इट विल क्लियर योर ऑल द क्वेरीज। हाँ फर्स्ट रीडिंग या सेकंड रीडिंग में आपको बेलीज एंड स्मिथ पढ़ के लगेगा कि उसकी लैंग्वेज टफ है थोड़ी सी, बट इट इज नॉट सो। आप जब उसे थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे या सेकंड या थर्ड रीडिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि नो इट इज नॉट दैट टफ, इट्स अ गुड बुक एट ऑल। तो मैंने बहुत ज्यादा सोर्सेस नहीं रेफर किए थे, मेरे मल्टीपल सोर्सेस बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने जो बुक्स बताई हैं केवल मैंने वो बुक्स ही प्रेफर करी थी और बस उनका ही मल्टीपल रिवीजन किया था। और जो लास्ट में जो मेरे नोट्स थे दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। लास्ट में मैंने बुक्स नहीं पढ़ी थी, मैंने केवल अपने नोट्स को और PYQs को ही सॉल्व किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही है कि जैसा कि आपने बताया कि कम से कम आपको एक बुक को 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल रीडिंग इज द की। पहली बार में आपको नहीं समझ में आएगा, ये कोई ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस कि आपको नहीं ही समझ में आएगा, बट हाँ पहली बार में आपको हो सकता है कि 80% to 70% चीजें समझ में ना आए, 30 ही% है, 20 ही% है। और जैसा कि हम भी जब क्लास में पढ़ाते थे उस समय हम ये बार बार बोलते थे कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हो, तो ये इंश्योर करो कि इसको आप तभी पढ़ोगे जब आप इसको कम से कम 3 या 4 बार पढ़ सकते हो। उससे अगर कम पढ़ रहे हो तो कोई सोर्स पढ़ने की कोई जवाब, कोई WPT पे 5 किताबें पढ़ लो, चाहे ब्रायन लैंसन पढ़ लो, ओपी गावा पढ़ लो, मुखर्जी पढ़ लो, शेफाली झा पढ़ लो, इन नंबर ऑफ बुक्स आर देयर इन मार्केट। लेकिन जब तक आप एक किताब को 4 बार नहीं पढ़ोगे, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन जो सॉल्व होता है वो तभी होता है जब आपके वो कंसस माइंड में हो, क्योंकि अब तो निगेटिव मार्किंग भी आ गई। अब ऐसा भी नहीं कि आपका तुक्का काम करेगा, और अगर तुक्का मारोगे तो हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा खराब ही हो जाए। तो आपको एग्जैक्टली चीजों का कंसेप्ट और जो पॉइंट्स है वो याद होने चाहिए। ओके अंशिका, ये तो हो गई हमारे रिविजन की बात। एक बार आप NETGRF के पेपर के बारे में बता दे, और पहले NETGRF के पेपर के बारे में बता दे कि कैसे NETGRF का पेपर, क्योंकि हम जानते हैं NETGRF का पेपर सिर्फ ये नहीं कि उसमें क्वेश्चन है, बल्कि जब आप उसको सॉल्व करते हो तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होता है। तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें आप बताएं, कैसे NETGRF का पेपर आपको आपको अपने प्रिपरेशन में हेल्प करा? हियर आई वुड लाइक टू से कि जो NETGRF का एग्जाम है वो आपके CUET लेवल से थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, उससे थोड़ा सा टफ होता है। तो आपको NETGRF का पेपर सॉल्व करते समय सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस से नहीं है वो आपको बिल्कुल छोड़ देना है। आपको कोई जरूरत नहीं है वो सॉल्व करने की, आपको केवल वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके सिलेबस से हों। और हाँ हो सकता है कि, और NETGRF में भी आप ये मत सोचिएगा कि आपने अगर, मतलब आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे तो आप उसको अंडरलाइन करिए, और उसके जो ऑप्शन है ये आपको ये नहीं देखना है कि केवल जो लाइक राइट आंसर है बस आपको उसके साथ चले जाना, ऐसा नहीं करना है। जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं आपको सारे ही एनालाइज करने हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जो NETGRF का पेपर होता है वो भी थोड़ा सा लाइक कंसेप्चुअल बेस्ड ही होता है।
उसमें अगर कोई आपको स्टेटमेंट दी गई है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज करेक्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो इससे आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी कि हाँ ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं तो हमें ऐसे सॉल्व करने हैं। एंड सीयूईटी यू नो इज डिमांडिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन सिंस लास्ट 2 ईयर्स। तो हमें ना ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय या जेआरएफ का पेपर सॉल्व करते समय हमें ना ये हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, इस एग्जाम की नीड क्या है और हम इस एग्जाम से कैसे लाइक हेल्प कर सकते हैं अपने आप में। और जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है वो आपको बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे भी पैटर्न चेंज हुआ है। आप लास्ट 4 to 5 ईयर्स के पेपर आराम से ऑप्ट कर सकते हैं। एंड यस यू नीड टू एनालाइज 2022 एंड 2023 पेपर एज वेल, बिकॉज नेट जेआरएफ के पेपर में भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं इस ईयर से। तो यस मतलब इसने भी मेरे लिए पर्सनली लाइक जेआरएफ का जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा था। स्पेशली आईआर के जो क्वेश्चंस रहते थे वो काफी हेल्पफुल रहे थे मेरे लिए। और ये भी है एक पॉइंट, इसमें भी है कि अगर आप जेआरएफ का पेपर सॉल्व कर लेते हो और अपने प्रिपरेशन को उस लेवल पे रखते हो, तो जैसा कि अब आप मान लो मास्टर्स में आ गए, तो आप मास्टर्स में आने के बाद आपका सबसे पहला गोल यही होगा कि आपको नेट जेआरएफ क्रैक करना है, तो उसमें भी बहुत बड़ा हेल्प अभी आपको पेपर टू में मिल जाएगा। अभी आप अगर कर रहे हो तैयारी तो आपको पता होगा, क्योंकि हमने किया था। तो हमारा जब जेआरएफ हुआ तो हमें मतलब जेआरएफ के लिए एज सच कुछ पढ़ना नहीं पड़ा था, हमने जो पॉलिटिकल साइंस के लिए ऑलरेडी पढ़ रखा था उससे ही हमारे पेपर टू में बहुत नंबर आ गए थे, और पेपर वन में जो थोड़ा बहुत करना पड़ा था तो उससे में। और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो और मास्टर्स कर रहे हो जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी से, और पॉलिटिकल साइंस में आपको अपना करियर बनाना है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या रिसर्च स्कॉलर का हो, तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस एक लेवल पे पढ़ना ही पड़ेगा। और ये जो अभी आपकी पढ़ाई हो रही है सीयूईटी के लिए, ये पढ़ाई इवन आपको आपके रिसर्च तक, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली पीएचडी का एंट्रेंस दिया था और मैं अभी जेएनयू से ही पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैंने जो पढ़ रखा था पॉलिटिकल साइंस के लिए अपने मास्टर्स के लिए, उसी नॉलेज ने, उसी के नॉलेज के बेसिस पे मुझे अपने पीएचडी में भी बहुत ज्यादा एडमिशन में हेल्प मिली, और मैं अपने पीएचडी में भी क्वालिफाई करा। इवन नेट जेआरएफ जो एग्जाम है उसमें भी इसी नॉलेज के बेसिस पे। तो द पॉइंट इज कि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो तो आप पॉलिटिकल साइंस को इतने अच्छे से पढ़ लो कि अभी आने वाले बहुत समय तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होने वाले हैं, तो उसका भी आप जब सिलेबस उठाओगे, उसके भी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं यही सब सारी चीजें मिलेंगी, चाहे वो पॉल थ्योरी हो, WPT हो, IPT हो, IR हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कंपैरेटिव हो, तो ये सब सारी चीजें। तो अंशिका, ये तो हो गई एग्जाम रिलेटेड बातें कि एग्जाम में कैसे क्या करना है। अभी आप अब ये बताओ कि जेएनयू के बारे में कैसे ख्याल आया, और जेएनयू ही क्यों सोचा आपने, बाकी यूनिवर्सिटी भी है भारत में जहां आपका एडमिशन हो ही गया होगा, क्योंकि जब जेएनयू में एडमिशन हो गया तो बाकी सब जगहों पे आपने अपना कट ऑफ क्लियर किया होगा, तो व्हाई जेएनयू अबव अदर यूनिवर्सिटी, व्हाट यूनिक यू फाइंड इन जेएनयू, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, सिंस द सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज जेएनयू हैज बिकम माई ड्रीम यूनिवर्सिटी, बिकॉज द लेवल ऑफ टीचिंग हियर, द प्रोफेसर दैट वी आर ड्रीमिंग फॉर, द थिंग दैट वी आर नॉट गेटिंग इन अवर प्रीवियस यूनिवर्सिटीज, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इन दैट यूनिवर्सिटी। एंड सेकेंड, द अफोर्डेबिलिटी ऑफ जेएनयू इज इनकम्पेरेबल इन द होल इंडिया। द NIIF रैंकिंग ऑफ जेएनयू इज नंबर वन, इट इज जस्ट नंबर वन ऑल ऑल एट ऑल आस्पेक्ट्स। द सीनियर्स आर वेरी हेल्पफुल। एंड वॉट एल्स डू यू वॉन्ट इन एनी यूनिवर्सिटी इफ यू आर गेटिंग एवरी थिंग इन जस्ट अ सिंगल यूनिवर्सिटी, फ्रॉम सीनियर्स टू स्टडी टू अफोर्डेबिलिटी, लाइक एवरी थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, यू नो आई एम अ गर्ल हु जस्ट वॉन्ट टू, हु आर ऑलवेज इंटरेस्टेड ऑल मतलब आई मीन इन एवरी कैरिकुलर एक्टिविटीज। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गो देर, पार्टिसिपेट इन ऑल द डिबेट्स एंड एवरी थिंग। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर सो मैनी थिंग्स इन द जेएनयू, एंड दिस इज द मेन रीजन ऑफ अट्रैक्शन फॉर मी एट जेएनयू। एंड जेएनयू के अलावा ना हमने कुछ दूसरी यूनिवर्सिटी सोची ही नहीं थी। लाइक सिंस स्टार्टिंग इट वॉज इन माई माइंड कि हाँ आई हैव टू गो टू जेएनयू। तो ये था ओवरऑल मेरा मोटिवेशन, यही था कि हाँ। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि फॉर द पीपल लाइक अस, मीन्स हु बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली, वी कैन सर्वाइव इन दिल्ली ईजिली, बिकॉज यू नो जेएनयू विल प्रोवाइड यू हॉस्टल, द फीस इज वेरी मिनिमल एंड द लेवल ऑफ एजुकेशन इज इनकम्पेरेबल इन द होल इंडिया। Obviously, congratulations कि आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी, यू गॉट इन टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, एवरी मीन्स जेएनयू इज एवरीवन्स ड्रीम यूनिवर्सिटी। व्हेन वी वर मतलब जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, व्हेन
वर प्रिपेयरिंग फॉर JNU, तो हम लोग ऐसा सपना देखा करते थे सच में सोने से पहले कि एक दिन यूनिवर्सिटी जाना है, बिकॉज हमारा जो मिडिल क्लास या जो बिलो मिडिल क्लास फैमिली लाइफ होता है उसमें यही होता है कि अच्छा एजुकेशन मिले और चीप एजुकेशन मिले। इंडिया में चीप एजुकेशन JNU को अगर आप हटा दो तो बाकी अदर इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैव देयर फीस फॉर दी यू नो कोर्सेज फॉर मास्टर्स। तो इस कंडीशन में जहाँ पे ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी है यू नो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है हरियाणा में नोएडा में 10-10 लाख फी करता है, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटीज, और वो JNU से मतलब उतने भी अच्छे नहीं है। JNU इज फार बेटर देन दैट दोज यूनिवर्सिटी। इन दैट यू नो केस जहाँ पे इतना अच्छा क्वालिटी हो और इतने अच्छे प्रोफेसर हो, अगर आप JNU के प्रोफेसरों की लिस्ट निकाल के देखोगे तो इंडिया के जो टॉप मोस्ट प्रोफेसर है वो आपको हमारे सेंटर में, चाहे वो POLM यानी कि जो SSS का सेंटर है उसमें CPS सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज है, और चाहे वो SIS हो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज हो, तो वहाँ पे अगर आप प्रोफेसर्स की लिस्ट निकालोगे तो दुनिया के टॉप मोस्ट जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको इस सेंटर में और इस स्कूल में मिलेंगे। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन अंशिका आपके इस थैंक यू अचीव सर। गोल पे, और हम ये आशा करते हैं कि आगे ही भी आप अपने गोल को ऐसे ही अचीव करते रहे, आपका नेट JRF क्वालिफाई हो, फिर हम आपका इंटरव्यू लेंगे। जाते जाते बस आप ये बता दो कि हमारा जो प्लेटफॉर्म था CUET PG हेल्प, उसने अगर कुछ कंट्रीब्यूट किया हो उसके लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो यू कैन से। हाँ सर, could you please repeat it? There was some network problem. What you have asked? आई वॉज सेइंग कि जाते जाते बस आप ये बता दो कि हमारा जो प्लेटफॉर्म था CUET PG हेल्प, इसने आपको अगर कुछ हेल्प किया हो तो कैसे हेल्प किया है, और अगर कोई बच्चा ऐसा है चाहे वो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का है या नहीं है, अगर वो हमें हमें ज्वाइन करना चाहता हो तो क्या आपको ऐसा मिला हमारे प्लेटफॉर्म से, उस पर आप कुछ बता सकते हो। ओके, तो आई हैव प्रिपेयर्ड माय होल CUET प्रिपरेशन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली यहाँ पे ना क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, द टीचर्स टीच अस एंड वी कैन आस्क अवर क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम इट, सर प्रोवाइड्स अस नोट्स व्हिच आर वेरी हेल्पफुल। बहुत ही कंसाइज और बहुत ही कंसेप्चुअल नोट्स होते हैं, विच इज वेरी इंफॉर्मेटिव। फालतू का कुछ भी नहीं होता है, लाइक सो मैनी थ्योरीज, ब्रॉड ब्रॉड, देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो दिस हेल्प मी अ लॉट, स्पेशली जो जो लेक्चर्स थे सर के जो मैंने अटेंड किए थे, इंटरनेशनल रिलेशंस के और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के, दे हेल्प मी अ लॉट इन माई होल प्रेपरेशन। अपार्ट फ्रॉम इट, द टेस्ट सीरीज दैट वर हेल्डिंग एट CUET PG हेल्प वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, तो ये भी मतलब इस टेस्ट सीरीज ने जस्ट बूस्ट अप माई प्रेपरेशन। एंड द फीस इज वेरी मिनिमल, लाइक इस टाइम पे जो सर अभी प्रेपरेशन करवा रहे हैं, द फीस इज ऑलमोस्ट नील। वेयर ऑल द एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स आर टेकिंग टू मेनी हाई मनी, अमाउंट ऑफ मनी जस्ट फॉर CUET प्रेपरेशन, तो द सर इज वेरी गुड, दे आर लिटरली ट्राइंग टू हेल्प अस, सो यू कैन इजिली गो एंड बूस्ट अप योर प्रेपरेशन विथ CUET वर्ल्ड। थैंक्स फॉर दिस काइंड वर्ड। ये हमारा कोई प्रमोटर नहीं था, ये हमारी स्टूडेंट है और इन्होंने क्वालिफाई किया है। हमारा लक्ष्य बस यही रहता है कि जो ऐसे स्टूडेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए लोग इतने इतने पैसे पे कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे कोर्स 1500 रुपये में थे, 1200 रुपये में थे, और ऊपर से स्टूडेंट ने जब मैसेज किया तो उनको और मतलब अगर लाइक इफ यू विल मैसेज अस किया अभी है 1000, which is almost nil. तो जहाँ पे जो फीस है वो कहीं कहीं पे अगर आप पॉलिटिकल, क्योंकि हम पढ़ाते तो पॉलिटिकल साइंस ही है और उसी लेवल से पढ़ाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो थैंक्स वेरी मच फॉर योर टाइम अंशिका, होप यू विल डू बेस्ट इन योर लाइफ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन एंड अगेन फ्रॉम आवर टीम और दीपक सर की तरफ से, रमेश सर की तरफ से, अभी दीपक सर रमेश सर आ नहीं पाए, और मेरे तरफ से एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।